हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने की घटना और इसके बाद हालात काफी गंभीर हैं। यहां आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और भारतीय सेना को भी इसमें लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सीएम ने अपने मंत्रियों को कई निर्देश दिए हैं। बादल फटने के बाद से कई घर जमींदोज हो गए हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन और जेसीबी के सहारे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेंसर की मदद से भी लोगों को तलाशने की मुहिम जारी है। जिन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है वहां बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सेना ब्रिज के निर्माण कार्य से जुटी हुई है। सीएम सुक्खू ने मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के आदेश दिए हैं। प्रभावित के मामले में ये कहना चाहूँगा कि इस कम से कम 700 करोड़ रुपये का भी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा अब रहम कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से राहत बचाव कार्यों को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, क्या फिलहाल स्थिति है और मानसून के इस कहर में कितनी मुश्किलें साबित हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए 31 जुलाई को बादल फटने की घटनाएं हुई थी और बाद जो वहां पर स्थिति बनी और अभी भी कई ऐसे हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य है वो चमक पर है। में जो लापता हैं वो ढूंढे जा रहे हैं और खासतौर पर अगर रामपुर क्षेत्र के सुमेर की बात की जाए तो अभी तक जो वहां पर लापता हैं 36 से ज्यादा लोग, उनमें से किसी का भी शव या उनका कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि आज कोलडैम में एक शव जो है वो मिला है, लेकिन उसको ट्रेस नहीं किया गया है, उसकी अभी पहचान नहीं हुई है। क्या वो सुमेर में ही जो बादल फटने से बहे थे लोग, उनमें से ही किसी का वो शव है या फिर किसी और का है, तो वो अभी हम कह सकते हैं कि अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन इसके अलावा भी जहां जहां बादल फटने की घटना 31 जुलाई को हुई थी, खासतौर पर मंडी के पद्दर का जो रामबन का क्षेत्र है और उसके साथ साथ जो निर्मंड का बागीपुल का क्षेत्र है, वहां पर जो है लोग कुछ जगह लोग दब गए थे, कुछ लोग जगह लोग बह गए हैं, कुछ के शव निकाले गए हैं, कुछ को ढूंढा जा रहा है। तो ये जो रेस्क्यू टीमें हैं, सर्च ऑपरेशन में लगी टीमें हैं वो काम कर रही हैं और ज्यादा फोकस इस वक्त समेज में है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग बहे हैं और उसमें से अभी तक एक का शव भी नहीं मिल पाया है। और डीसी भी वहां पर खुद मौके पर मौजूद है, एसपी भी मौके पर मौजूद है, वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनकी भी सूचियां तैयार की जा रही है, एक वन टू वन बातचीत लोगों से की जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी वहां पर है जिनका पूरा परिवार उस त्रासदी में जो है वो खत्म हो चुका है, तो उनको भी किस तरह से उनके जो बाकी परिजन बचते हैं उनको किस तरह से रिलीफ देना है, ये भी प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और सीआईएसएफ के जवान, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो सर्च ऑपरेशन अभी चला रहा है। समेत से लेकर कोलडेम तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसमें जो है हर जगह चप्पे चप्पे पर देखा जा रहा है कि वहां पर कोई शव तो नहीं है या कोई वहां पर किसी सूरत में तो नहीं है, उसको वहां पर देखा जा रहा है। तो सारी कोशिश इस वक्त प्रशासन कर रहा है और इसके साथ साथ जो राहत बचाव कार्य है, राहत की अगर बात करें खासतौर पर, तो जो प्रभावित लोग हैं उनको लेकर सरकार ने पहले ही कहा है कि उनको 50,000 रुपए शुरू में दिए जाएंगे और उनके पास अगर अब मकान नहीं है तो किराए पर मकान वो ले सकते हैं, तो 5,000 रुपए किराया भी उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब राज्य सरकार ने जो अब मशीनरी वहां पर लगाई गई है और बाकी वहां पर जो स्थानीय प्रशासन मौजूद है उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप सड़कों को तुरंत बहाल करें, जो भी संपर्क मार्ग हैं इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं या अवरुद्ध हुए हैं और पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उस काम को भी युद्ध स्तर पर किया जाए। और लगातार मुख्यमंत्री वहां से रिपोर्टिंग ले रहे हैं, जितने भी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं और इसके साथ साथ मंडी डीसी की बात करें, कुल्लू डीसी की बात करें, उनसे भी लगातार कनेक्ट में मुख्यमंत्री हैं और वहां की रिपोर्ट ली जा रही है। तो अभी जो ये त्रासदी आई है और जिस तरह से जाने गई हैं और जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार जो है वो हो चुका है
और अभी मुख्यमंत्री ने भी जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि अब हम कामना यही करते हैं कि और नुकसान प्रदेश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले जख्म थे वो अभी हरे ही थे, लेकिन उसमें तो एक बार फिर से जख्म यहाँ मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रदीप, बने रहिएगा। इसी बीच डीजीपी ने आपदा और राहत बचाव कार्य को लेकर जानकारी दी है कि किस तरह से राहत बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, क्या स्थिति है, वो आपको सुनवाते हैं। शुरू से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस के जवान और ऑफिसर्स और होमगार्ड और फायर के भी लगे हुए हैं, सभी मिलके कर रहे हैं। और 47 पीपल आर स्टिल मिसिंग, बाकी डेड बॉडीज कुछ निकाली गई हैं, स्टैंडर्ड लोग निकाले गए हैं, अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी जानकारी से। शुरू चलिए एक बार फिर से प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं, खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा प्रदीप, देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की और जिस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है, फिलहाल क्या लगता है कितना लंबा राहत बचाव कार्य चलेगा और इतने सारे लोग लापता हैं, कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आई है, कुछ एक आंकड़ा इसको लेकर स्पष्ट हो पाया है? कि जो अभी सरकार के पास आंकड़ा है उसमें लगभग 47 लोग अभी तक लापता हैं, मिसिंग हैं। और जैसा डीजीपी हिमाचल ने भी जानकारी दी है कि इसमें अभी फंसा हुआ कोई भी नहीं है, यानी अब जो तलाशी होगी वो सभी लोग कहीं ना कहीं मृत है और उनके जिंदा बचे होने की कोई उम्मीद अब नहीं है। तो अब जो इस तरह के लापता है उनको अब निकाला जाना है, उनके शव निकाले जाने हैं। ज्यादा चुनौती जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में टीमें लगी हैं उनको सुमेद क्षेत्र में ज्यादा चुनौती वहां पर मिल रही है, क्योंकि अभी तक भी हम कह सकते हैं कि एक शव भी जो है नहीं मिल पाया है। हालांकि जो आज की जानकारी है कि एक शव जो कोल डैम में मिला है उसकी अभी शिनाख्त होना बाकी है, लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि जो हैवी मशीनरी है उसको लगाया जाए, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर जो नदी में है उनको हटाया जाए, कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई किसी का शरीर वहां पर फंसा हो, या फिर वो उस वक्त जिस तरह से बाढ़ आई थी उसके बाद जो फोर्स उस वक्त पानी की थी तो ऐसा तो नहीं कि उसके वजह से कोल डैम में जो है ज्यादातर लोग बहकर पहुंच गए हो, तो वहां पर ज्यादा तलाशी अभियान चलाया जाएगा, सघन तलाशी अभियान वहां पर जो है वो ढूंढने के लिए, उनके शव निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगाएंगी, इस तरह की जानकारी है। और ये भी एक बात हो सकती है कि इस वक्त गाद भी सिल्ट बहुत ज्यादा है तो उसमें कोई शव फंसे हो, ये भी एक चुनौती है। तो ऐसे में जिस तरह से अभी कोशिश कर रहा है प्रशासन जो अपने स्तर पर, और आने वाले समय में जब जिस तरह से आज चौथा दिन है तो आने वाले समय में अब और सघन जो तलाशी अभियान है, सर्च ऑपरेशन है, वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चलाया जाना है। तो सघन तलाशी अभियान अभी चलाया जाएगा। अब देखिए प्रदीप, हिमाचल के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और उन इलाकों में जनजीवन पर कितना असर हुआ है, लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वो लोग जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है? बिल्कुल, देखिए उनके लिए अस्थायी तौर पर अभी शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहां पर उनको शरण दी गई है जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि जिस तरह का समेज में सबसे बड़ी घटना हुई है तो उनके लिए अलग से वहां पर शेल्टर होम बनाया गया है, वहां पर उनको रखा गया है और उसके बाद वो अपना जिस तरह से सरकार ने प्रबंध किया है कि आप किराए का मकान ले सकते हैं, गांव में किसी दूसरे घर के घर में रह सकते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के पास रह सकते हैं ताकि उनको ज्यादा शेल्टर होम में दिखते भी आ सकती है तो वहां रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको खाने पीने का उनका इंतजाम पूरा किया जाएगा, इसके साथ साथ उनको राशन भी दिया जाएगा, बाकी भी जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाती रहेगी, क्योंकि एक तो सुमेर क्षेत्र है, दूसरा जो निर्मल का बागीपुर गांव का क्षेत्र है वहां पर भी मिसिंग है लोग लेकिन उनको भी ढूंढा जा रहा है, इसी तरह से पंदर रामबन का क्षेत्र है वहां पर भी मिसिंग है उनको ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है उसमें कुल्लू जिला के मलाना की बात करें, वहां भी फ्लड आया था और उसके बाद वहां पर जो डैम था उसको भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसमें दरारें पड़ गई थी और टूटने जैसी बात वहां पर सामने आई थी और वहां पर भी लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है और वहां पर सड़कें अभी प्रभावित हुई हैं उनको ठीक करने का काम जो है वो चला हुआ है, मनाली की तरफ भी रोड ब्लॉकेज हुए थे उनको भी ठीक करने का काम चला हुआ है, मंडी से कुल्लू के बीच में जो सड़क मार्ग है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है तो ऐसे वन वे ट्रैफिक वहां पर कई स्थानों पर इस वक्त है तो वो परिस्थितियां यहाँ पर कई जगह बनी है। पंडोर डैम को लेकर पिछले कल सूचना थी कि उसके गेट जो है वो सिल्ट की वजह से जाम हो गए हैं, दो गेट तो उनको दिन भर की मशक्कत के बाद जो है खोल दिया गया है, अब स्थिति सामान्य है।
लेकिन अब आगे बारिश ना हो ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि अब मॉनसून कहीं ना कहीं थोड़ी दरियादिली दिखाए और जिस तरह का हिमाचल में ये त्रासदी आई है, इस तरह से जानी नुकसान यहाँ पर हुआ है, अब फिर से ना हो इस तरह की कामना सभी कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपदा की स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं।